Namaste friends, welcome to Art and Tarot. So today we're going to talk about a major arcana card called the Temperance. Aaj hum baat karenge the card of Temperance ki, jo ki major arcana ka 14th card hai. So card ko dekh lijiye aap, baki aapko side mein bhi dikhega. Anyways, so इस कार्ड में बहुत सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, बहुत कुछ है इसमें छुपा हुआ, बहुत बातें हैं करने को इस कार्ड के बारे में. तो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी की तरफ से जाते हैं, ठीक है. तो 1-4 इज़, अगर 1 और 4 को हम ऐड अप करेंगे तो वो बनता है 5, एंड 5 स्टैंड्स फॉर पावर. सो पहला इसका एट्रीब्यूट जो इस कार्ड का है वो है पावर. सेकेंड इज़, दिस कार्ड इज़ नोन एज द कार्ड ऑफ बैलेंस. पूरा कार्ड में बैलेंस ही कहीं ना कहीं शो किया गया है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स से. सो जब भी ये कार्ड आएगा ये आपको जो है प्रेरित करता है कि आप अपने लाइफ का बैलेंस मेंटेन करिए, या फिर वो मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड है एंड विद हार्मनी विद दैट बैलेंस इनसाइड ऑफ यू यू विल बी एबल टू अचीव the heights which you are always looking for. आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप हमेशा से चाहते थे. सो अब इसके पिक्टोरियल मीनिंग में जाते हैं. हम देखते हैं कि एक फिगर है जो कि एक कप से दूसरे कप में पानी पलट रहे हैं. सो सबसे पहले इस फिगर के बारे में बात करते हैं. फिगर ने वाइट जो है ड्रेस पहनी हुई है. वाइट ड्रेस का मतलब होता है प्योरिटी. So it's a pure soul. So it's a pure message for you. And card, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनके dress के बिल्कुल बीच में एक triangle बना हुआ है. Triangle बहुत चीज़ों के जल्दी symbolize करता है. Triangle is a spiritual symbol. Triangle क्योंकि ये Christianity की तरफ से tarot जो है it's more considered like Christian. So it talks about the three the trinity of Christianity. अगर हम ट्राइंगल को देखें तो वो अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है. ट्राइंगल जैसी फिगर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और बहुत स्टेबल है. तो उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे, जो पिरामिड्स हैं वो भी ट्राइंगल कहीं ना कहीं शेप में है, और अगर हम एग्जिस्टेंस में देखें तो ट्राइंगल इज सिम्बलाइजेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल. It also means like working from your stability, you reach a point and you stay there, you don't fall from there. That is what the triangle stands for. और अगर हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीन मार्ग भी शो करता है. तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं. सो देर आर लाइक मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में और बहुत सारी चीज़ों में, मैथमेटिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है. सो यहाँ पे इस ड्रेस में हम यही देख रहे हैं कि लाइक इट्स अ फिगर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और वो एक कप से दूसरे कप में जो है वो जो डाला जा रहा है वो इट सिंबलाइजेस बैलेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स. पंख देख सकते हैं. पंख सिंबलाइज करता है कि वंस यू आर एट अ स्टेज ऑफ spirituality or balance, you will be able to fly and get whatever you're looking for. So that is what it actually stands for. कि आपको जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो मिल सकता है आपको. पीछे आप फिगर देखेंगे तो एक तरह का हेलो शो करता है, एक तरह का एक अच्छा एक ऑरा शो करता है, लाइक ए पॉजिटिव ऑरा, विच बेसिकली मीन्स दैट दिस पर्सन इज बैलेंस्ड एंड एनलाइटेंड. और हम थोड़ा सा और बात कर लें तो एस्पेक्ट्स की, एक तो हम देखते हैं पीछे जो धरती दिखाई गई है बहुत रिच दिखाया गया है, एबंडेंस दिखाया गया है, सब कुछ है. और एक पैर जो है पानी में है, एक पैर जो है अर्थ में है. सो अगेन इट सिंबलाइजेस द बैलेंस बिटवीन द यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट एंड द मैन एंड द वुमन. तो ये जो अगर आप फिगर भी देखोगे ना ध्यान से तो इट्स नॉट जस्ट a figure of a man or a woman, it's a combination of both. दोनों का combination है इसमें, man और woman का इस figure में. और आप पीछे देखें एक सूर्य का जो है चमकना हो रहा है, तो एक नए दिन की शुरुआत है, एक
एक नया लाइफ का एस्पेक्ट आपके लिए शुरू हो रहा है। तो ओवरऑल टेम्परेंस का मतलब जो है वो बहुत पॉजिटिव है। जब भी ये कार्ड आपके पास आएगा उस कार्ड का मतलब यही होगा कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक हुआ है और आप सही रास्ते पे हैं, या फिर आपको एंजल्स की सपोर्ट है। मेंटल और स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो एक अच्छे बैलेंस में शो कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है टेम्परेंस का। सो टेम्परेंस कार्ड की रीडिंग ये थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। नमस्ते।